पर पाबंदी ना मंजूर, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, बैन हटाओ नौजवान बचाओ, बैन हटाओ नौजवान बचाओ, बैन हटाओ नौजवान बचाओ, बैन हटाओ नौजवान बचाओ, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर, साडा हक इत्तेहाक, साडा हक इत्तेहाक, साडा हक इत्तेहाक, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर, we want justice, we want justice, we want justice, tera baap bhi dega, tera baap bhi dega, tera baap bhi dega, we want justice, we want justice, we want justice, sada hak itehaq, sada hak itehaq। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम लाल जमान कादरी है और मैं बेरोज़गार नौजवान मूवमेंट पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। हमने आज प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया और असम्बली हॉल के सामने मुजाहरा किया और एमपीए हॉस्टल के सामने मुजाहरा किया, ये मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। और इस एहतजाज का, आज का जो एहतजाज है, इसका स्पेसिफिक मकसद ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, इरीगेशन 112, रेलवे, नादरा, वापडा, जितने भी डिपार्टमेंट है, उसमें जो टेस्ट लिए गए हैं, जो पास कैंडिडेट हैं, उनकी सिर्फ इंटरव्यूज रह गए हैं। वो जो 3 साल से बैन है उसको हटाया जाए और इन लोगों के इंटरव्यूज कॉल करे, हायरिंग करे और इनको अपना हक दिया जाए। बसूरत दीगर 6 मई को हम दूसरा डेट दे रहे हैं, पूरे के से लोग आएंगे और एक ज़बरदस्त तमादम मस्त कलंदर होगा इन बेरोज़गारों के लिए। इससे पहले हमने सैकड़ों एहतजाज किए इन बेरोज़गारों के लिए, इन पास कैंडिडेट के लिए सैकड़ों एहतजाज, न सिर्फ KPK में बल्कि इस्लामाबाद में भी किए हैं, पेंडी में भी किए हैं, पेशावर के CM हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, प्रेस क्लब के सामने, हर जगह किए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ना आज तक हमें गवर्नर ने बुलाया, न CM ने बुलाया, न प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, न जिम्मेदार मुख्तदिर लोगों ने बुलाया जिनका ये काम है, किसी ने नहीं बुलाया। इनको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। तो इस वजह से हम 6 मई को ऐसा दमादमस कलंदर करेंगे कि इन वाकदारानों को, इन कौ तबके को इंशाल्लाह हम अकल से सिखा देंगे। इस वक्त आपके साथ कितने 50+ लोग हैं, ये लीडर्स है, ये एडमंस है। हमने कारकुनों को नहीं निकाला है, ये सिर्फ मैसेज देने के लिए आए हैं। जब सारे कारकुन निकलेंगे ना, तो एक एक डिपार्टमेंट में 20-20 हज़ार और 30-30 हज़ार लोगों ने टेस्ट दिए हुए हैं और उनसे टेस्ट के मद में अरबों रुपए रियासत ने टेस्ट के मद में लिए हैं, उसका भी हिसाब देंगे हमें कि आपने ये टेस्ट लेने वाले इदारे इसलिए बनाए कि इन गरीबों को लूटे, इन बेरोज़गारों को लूटे, टेस्ट के मद में इनसे करोड़ों रुपए बटोरे, इसलिए टेस्ट न लेके इन बेरोज़गारों को लूटे। जिस मकसद के लिए टेस्ट लिए गए हैं, ये पास कैंडिडेट है, इनको हक ना हक दिला के रहेंगे, जब तक इनको अपना हक नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। देखिए, हमारा एहतजाज बिल्कुल पूरा मन था, हम अपने हक के लिए निकले। आप आए, इन बच्चों को देखिए, इनमें MPhil, MA BA, ये सब क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। इनका हक है, हुकूमत को चाहिए इनका हक है, इनको सरकारी रोज़गार देना। हम ये तालीम जो है, हम ये किस लिए करें, ताकि हमें अच्छी से अगली नौकरी दी जाए। अभी जैसे कि आपको पता है, हम 2021 से हमने पोस्ट पर मतलब क्वालिफाइड है, हमारे इंटरव्यूज बंद है। पहले हुकूमत चली गई, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत, फिर उसके बाद जब हुकूमत आई है, तो ये कहते हैं कि किफायत शुमारी प्रोग्राम शुरू किया हमने। किफायत शुमारी प्रोग्राम से हम क्या लेना देना, हम नौजवान क्या करेंगे, हम इतनी तालीम, इतनी डिग्रीज का हमें क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हमारी चीफ जस्टिस साहब से, CM साहब से, वज़ीर साहब से सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनवाई की जाए, हमें हमारा हक दिया जाए, हमें एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो सरकारी नौकरी पर हमारा हक है, जो हमने क्वालिफाई किए, उसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाए, ताकि हम अपने घर वालों का, अपने फ्यूचर हमारा सिक्योर हो।